चार दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर का समापन हो गया है। रात्रि 12 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला ने अपनी सुरीली आवाज का जादू इस कदर बिखेरा कि हर कोई नाचने के लिए मजबूर हो गया। वहीं इस अवसर पर समापन समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने शिरकत की। कुलविंदर बिल्ला ने लाइट वेट पैरों वास्ते बिल्लो झांझरा पावंतू सेम टाइम सेम जगह गोरिया पैरों नु झांझरा। कुलविंदर बिल्ला ने अपने पंजाबी गानों से दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। एक बेनती करनी चाहता था, एक गाने पर सारे नाच रहा था। ये तो आधा हफ्ता हो गया जी भाई जी। सी में कोठे पे चढ़िया कबूतरिया डोल ली, ओ भी चढ़ी सी जमारे चाचा जन फड़ोल ली। मैं डांके दी कबूतरी नू बाजा मार दा सी, मैं डांके दी कबूतरी नू बाजा मार दा सी। ओ भी चलका बाज शहजिया देली कली वहीं हिमाचली कलाकारों ने भी अपनी गायकी से खूब तालियां बटोरी। Yeah.
मुख्य अतिथि श्रीकांत बाल्दी ने सुजानपुर होली मेला की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि इसी तरह परंपराओं को समझौते हुए त्योहारों को मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली पर्व रंगों का पर्व है और इस दिन सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को रंग लगाना चाहिए। हमीरपुर की उपायुक्त ऋचा वर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सुजानपुर, हमीरपुर और आसपास से यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी है कि इतने बड़े संख्या में आप ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सुजानपुर का जो होली महोत्सव है राष्ट्रीय स्तर का, ये पूरे देश में जाना जाता है। मुझे हिमाचल में 34 वर्ष कार्य करते हुए हो गया है, पर मुझे सुजानपुर का इतना अच्छा जो होली उत्सव है उसका देखने का मौका आज ही मिला है और मुझे इतना अच्छा यहाँ पे लगा। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ का जो मेला है, प्रोसेशन है, जो छेंज और कुश्ती आज मैंने देखी वो अपने आप में बहुत अच्छी थी। मुझे आशा है कि आप लोग इस कार्यक्रम को और जो हमारी धरोहर है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी को होली के इस शुभ अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। मैं अब इस कार्यक्रम, जो इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसमें और आपके बीच में नहीं रुकना चाहूँगा। मैं भी इसका आनंद लेना चाहूँगा। आपको पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।